खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। कराची की मकामी अदालत में नाजिम जोखियो कत्ल केस की समाअत हुई। पीपल्स पार्टी के रुकने सिंध असम्बली जाम अवैस समेत तीन मुलजिमान के जिस्मानी रिमांड में 3 रोज की तौसी की गई है और पुलिस ने VIP प्रोटोकॉल के साथ मुलजिम को अदालत में पेश किया। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज लियाकत राना हमारे साथ मौजूद है। जी लियाकत राना बताइएगा। देखिए नाजम जोखियो कत्ल केस के मुलजम रुकने सिंध असम्बली जाम अवैस कोराम उस समय 3 मुलजमों को कुछ देर पहले पुलिस ने VIP प्रोटोकॉल के साथ जुडिशल मजिस्ट्रेट नंबर 2 मलीर की अदालत में पेश किया। बगैर हक करी के मुलजम को अदालत में पेश किया गया तो मुदई मुकदमा के वकला ने शदीद एहतजाज किया, जिस पर SHO मेमन गोट ने अदालत के अंदर ही कोर्ट रूम के अंदर मुलजम को हक करी लगाई। पुलिस ने मुकदमे का तफ्तीशी अफसर भी तब्दील कर दिया। नए जो तफ्तीशी अफसर है इंस्पेक्टर बाजवा, उसने अदालत को बताया कि मुझे आज ही इसकी तफ्तीश मिली है, मैं कोशिश करूंगा कि अदालती हदायात के मुताबिक तफ्तीश कर सकूं, जिस लिहाजा हमें मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने मुलजमान के रिमांड जिस्मानी रिमांड में 3 दिन का इजाफा कर दिया और पुलिस को हदायत की है कि बर वक्त तफ्तीश मुकम्मल की जाए और मफरूर मुलजमान को गिरफ्तार किया जाए। दूसरी जानब मुकदमा के वकला ने एतराज किया कि मुलजम का जो मकतूल है उसका नजाई बयान मौजूद है, जिसमें उसने मुलजम अवैस जाम अवैस के बड़े भाई का भी नाम लिया था कि उन्होंने अगवा करके तशद्दुद किया है, लिहाजा मुलजमान के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की दफात शामिल की जाए, अगवा और तशद्दुद की दफात को भी शामिल किया जाए। अदालत ने मुलजमान के जो एतराज था उसको अदालत का हिस्सा बना अदालती रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हुए मुलजमान के जिस्मानी रिमांड में 3 दिन का इजाफा कर दिया। जी लिया खजाना बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया।